दोस्तों, आज हम बनाने जाने वाले हैं सेवैया की खीर। ये बहुत ही पॉपुलर इंडियन डिश है और लगभग बहुत सारे फेस्टिवल्स में ये हर घर में बनती है। बहुत ही इजी रेसिपी है, तो चलिए देखते हैं। इसे बनाने के लिए हमें लगेंगे 1/2 कप सेवैया, 2 टेबलस्पून घी, 2.5 कप दूध, 3 से 4 बड़े चम्मच चीनी, 1 से 2 चम्मच किशमिश, चिरौंजी और कटे हुए बादाम। सबसे पहले हम एक पैन में 1 चम्मच घी गरम कर लेंगे। उसमें 1/2 कप किशमिश, चिरौंजी और बादाम सब डाल के अच्छी तरह से 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे। बादाम भूनने के बाद इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब उसी पैन में हमारी सेवैया भी घी में अच्छी तरह से ब्राउन कलर होने तक भून लेंगे। हमें 1 से 2 मिनट तक इसे भूनना है, जब तक कि सेवैया अच्छे से सुनहरी कलर की ना हो जाए। अब एक पैन में दूध गरम कर लेते हैं। लगभग 2 से 3 कप हम दूध गरम कर लेंगे। दूध को जब उबाल आने लगे तो उसमें हम चीनी मिला लेंगे। चीनी को अच्छे से खोल लेंगे। अभी इसमें हमारे जो भी हमने भुने हुए ड्राई फ्रूट्स है वो सभी डाल के वो भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे 1 से 2 मिनट तक पकने देना है। अभी इसमें हमारी भुनी हुई सेवैया डाल लेंगे। अभी सभी चीजें अच्छे से मिला लेंगे। अब हमें दूध को 5 से 7 मिनट तक मीडियम आंच पे पकने देना है। बीच बीच में इसे हिलाते रहना है। अभी देखिए जो हमारा दूध है अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। इसे हमें ज्यादा भी नहीं पकाना है, नहीं तो सेवैया पूरी तरह से गल जाएगी। अभी ये कंसिस्टेंसी एकदम अच्छी आ गई है। इसे हम गैस ऑफ कर देते हैं। इसे रेफ्रिजरेटर में रख के आप ठंडा ठंडा सर्व कर सकते हैं।